गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 24th of Feb और हम लोग का अभी मैं अभी सो के उठी हूँ। 8 बजे करीबन मैं सो के उठी थी और अभी कॉफ़ी पी रही हूँ। ये रही मेरी कॉफ़ी, ठीक है ना। और कल मतलब रात को हम लोग आ गए थे 10:30-11 बजे के आसपास आ गए थे। फिर हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, आराम से बातें बातें करी थोड़ी बहुत। फिर हम लोग आ गए थे आइसक्रीम आइसक्रीम खा के, रात को भी गला बैठ गया थोड़ा सा। तो ये था कल का अपडेट। और कल हम लोगों ने रात में वहीं पे ही खा लिया था थोड़ा बहुत, और फिर मतलब रात को पराठे वगैरह खा के आ गए थे हम लोग। तो यही सीन था फिलहाल में। तो देखते हैं, अभी शाम का प्लान है डैम जाने का, तो वही जाएंगे क्योंकि दिन में अभी बहुत धूप हो रही है और कल हमने पूरा दिन धूप में निकाला था। तो ये सीन है अभी का फिलहाल में। दिन भर में जो भी होगा फिर आपको बताते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो कल वाली तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग, ठीक है। खजुराहो का, खजुराहो में अगर आपको आना ना ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पल्स बने हैं आप कितनी बार भी उसको देख लोगे ना आपको लगता ही रहेगा कि आपने कुछ मिस कर दिया उसमें। तो ये चीज़ सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो पहली बार ही आई हूँ, अनन्या आ चुकी है यहाँ पर, सो वो हमारी गाइड बनी हुई है यहाँ पे। 26 को वापस जा रहे हैं तो ये रहेगा भी नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 24th और अभी हम लोग निकल रहे हैं 1 बजे टेम्पल्स वगैरह देखने के लिए, मंदिर वगैरह देखने के लिए। माता का मंदिर है तो वो देखने जा रहे हैं। अभी रेडी वेडी हो गए हैं, सब नीचे पहुंच चुके हैं। अनन्या और मैं जा रहे हैं अभी नीचे, फिर आपको पूरा अपडेट देते हैं वहाँ जाके, ठीक है। और ये मेरे हैं आउटफिट पूरा, ठीक है। चलो वहीं जाके मिलते हैं। 64 योगी नहीं चलना है, पहले पैदल चलेंगे। पास में ही है तो पैदल चल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग आ गए 64 योगिनी मंदिर, जा रहे हैं यहाँ से। इधर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है तो धीरे धीरे जा रहे हैं हम मंदिर के पास। धीरे धीरे चलते हैं पहुँच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हम पहुंच गए 64 योगिनी टेम्पल पे। और ये अभी जो ये है ना, ये पत्थरों का बना हुआ है, यही टेम्पल है। अभी ऊपर जाके ना आपको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है ना। शूज़ वगैरह शायद यहीं पर दिखाने पड़ेंगे। पहुँच गए, इसकी सीढ़ियाँ बड़ी खड़ी खड़ी है तो ध्यान से जाना पड़ेगा। ऊपर से इतना कोई खास तो था नहीं वहाँ पर, जो फोटोज़ में देखा था हम लोगों ने वैसा कुछ भी नहीं था। राउंड सा देखा था तो वहाँ पे राउंड ऐसा नहीं था, क्योंकि जो हमारे साथ में एक लड़की है तो वो यहीं पर ही रहती, तो वो कहती कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, रीस्टोर वर्क ही चल रहा होगा ऑफकोर्स, और क्या चलेगा, थकी रहे। तो अभी वापस आते हैं हम लोग घूमना, अभी तो आ गए, इतना कोई मज़ा सा नहीं आया। ऊपर जाके सिर्फ पत्थर पत्थर मिलेंगे आपको और कुछ खास नहीं मिलने वाला। अगर आपको आना है
तो मेरी वीडियो देख लेना। तो यहाँ कोई ऐसा है नहीं, 64 मंदिर होने चाहिए थे यहाँ पे पूरे उस एरिया में, तो 64 मंदिर के नहीं थे, सब टूट गए, आते तो टूट गए, आधे बच्चे होंगे, तो वही था। और अभी उतर कर आए मिस आते फूल रही हैं, तो देखते हैं अभी ये लोग जा रहे हैं, ये लोग अभी फ़ोटो वोटो खींच कर आए थे उधर से, तो हम लोग घूम आए और हम लोग अभी जाते खाना वाना खाएंगे और फिर निकलेंगे जब तक ये लोग घूम कर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी का सीन आपको बता देंगे, ठीक है ना। हाय बोल रहा है ये मुझसे। अभी तो तू यहाँ ही काम लग गया। हाय बोल रहा है। हाय बोल रहा है, देख रहा है दांत, देख रहा है कितने क्यूट है। बताइए बोल रहा है, चला जा बैठ जा, दफा हो जा यहाँ से, वही कह रहा है। चला जा, जीप चढ़ा रहा है जीप। अभी हो वो चल रही है ना बोट उधर है। पर्सन चार्जेस लगता है और कैमरा अगर आप ले जा रहे हैं तो 150 अलग लगता है आपका, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से ना। अभी आगे जाके दिखाती हूँ, पूरा अच्छा सा मौसम होता है। तो क्या कुटनी आइसलैंड रिजॉर्ट लगा इसमें, तो यही नाम है यहाँ से एंट्री है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू। हाय अनु, और ये देख सकते हैं आप, बढ़िया बढ़िया पानी। पत्थर प्लस पानी प्लस मिट्टी। पत्थर प्लस पानी प्लस मिट्टी, हाँ। ये कौन सा ये शॉर्ट में बता दिया मैंने। इट इक्वल्स टू 100 रुपीस। बढ़िया सी आवाज चलती थे पे, मजा सा आ रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाके thank you.
बाद का प्लान, ठीक है ना? बुड्ढे हो गए यहाँ पे आएंगे। बढ़िया ये, यहाँ क्या देखने? आ जाए दृश्य, हम इधर एक पत्थर है इधर पे, वो देखने जा रहे हैं। बढ़िया मौसम हो रहा है, इधर टेबल भी लगी हुई है ना, चाय पी सकते थे बैठ के। इधर पत्थर है ना बड़ा सा, इधर से पूरा दिख रहा है, पूरा पूरा डैम दिख रहा है इधर से।